मॉर्निंग गाइस, आज ना वेदर बहुत ही अच्छा है और सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और फटाफट देखते हैं कि आज ना रिचा क्या क्या बना रही है। तो एक बार ना यहाँ पे देखते हैं टाइम, देखो गाइस यहाँ पे बजे हुए 2 बजे हुए, तो ये मत जाना कि ये 2 बजे हुए, ये ना हमारी घड़ी खराब है। अगर मैं आपको मोबाइल पे टाइम दिखाऊँ ना तो 11 बजे है संडे। तो यहाँ पर रिचा जी क्या क्या बना रहे हो आज? आज बन रहा है सर शेफ स्पेशल ये इसने फलाफल ये बनाए नहीं है, एक्चुअली बने हुए थे तो मैंने इनको बस ग्रिल किया है। हाँ। और साथ में है मिक्स सैलेड। तो उसके अंदर गाइस हम ये डाल देंगे सारे फलाफल। अरे वाह, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएंगे आज हम। आज तो यम्मी हेल्दी ब्रेकफास्ट। साथ में है वीगन केक, थोड़ा सा मीठा भी खाना बनता है कभी कभी संडे या तो। बहस होता है कि अगर आपको मीठा खाना है तो मॉर्निंग में या फिर दोपहर को खाइए, इवनिंग में भी खा लो लेकिन रात को मत खाओ क्योंकि हाँ। उससे फिर वेट पक्का कम होने के चांसेस हैं। और बेस्ट पार्ट है कि वीगन केक है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो साथ में बना है गाइस बैंगन के पकौड़े। सौरभ बैंगन बिल्कुल नहीं खाता गाइस, लेकिन जब मैं ये वाले पकौड़े बनाती हूँ तो आप बोलोगे कि ये पकौड़े हेल्दी कैसे? तो हेल्दी इसलिए क्योंकि ये तले नहीं हुए गाइस, इनको फ्राई नहीं किया हुआ, ये बने हुए हैं उसके अंदर ओवन के अंदर ग्रिल किया हुआ है गाइस। मैंने इसके अंदर गाइस ये पकौड़े बनाए थे। मैंने एक बार बहुत टाइम पहले अपनी रेसिपी शेयर की थी कि हाउ टू मेक हेल्दी पकौड़ा, तो काफी लोगों को पसंद भी आई थी। तो ये आज हम थोड़ा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में मिलके खाने वाले हैं, थोड़े पकौड़े, थोड़ा केक और थोड़ा सा फलाफल। तो दिस इज और साथ में चाय है, इसको कैसे मिस कर सकते हैं? तो ये है गुड़ वाली चाय, तो ये आज हम खाने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं। आज तो आधा किलो तो वेट बढ़ाएंगे। नहीं, इससे तो कोई वेट नहीं बढ़ेगा गाइस। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सब संडे या सैटरडे होता है ना तो कोशिश करते हैं कि अनहेल्दी चीजें खाएं, लेकिन आज पता नहीं हमें क्या हुआ, मॉर्निंग में हमने सारा हेल्दी स्टफ बना लिया। हम ना कल पूरा दिन बाहर ही खा रहे थे तो इसलिए ना फिर आज सोचा कि चलो थोड़ा सा चेंज भी करते हैं। रिचा ना पूरा ब्रेकफास्ट डालेगी, तब तक ना मैं या अपने मुंडू है, आपने हमारी वीडियो में मुंडू तो हमारा देखा ही होगा ये वाला, तो इस मुंडू को पकड़ के अंदर कर देते हैं। इसने बाहर की पूरी सफाई कर दी है, अब इसको हम अपने लिविंग रूम में छोड़ देते हैं कि चल मुंडे मुंडू सफाई कर। नहीं भैया, नहीं भैया सफाई करेगा, तो इसको यहाँ पे भी सफाई करने देते हैं। मुंडू बहुत अच्छा है, बहुत घर का बहुत सारा काम करता है। हाँ, मैं से ज्यादा काम करता है। इसको तो मैं शाबाश दूंगी, इसको तो बोनस मिलेगा दिवाली पे। बोनस क्या? एक्स्ट्रा बैटरी, कोई नवी बैटरी मिलेगी। तो मुंडू शाबाशी, तेरे को तो बोनस मिलने वाला है। एक चीज बता, उसको बोनस मिल रहा है, मेरे को क्या मिलने वाला है? तुमको पता नहीं क्या मिला, लेकिन मैं इसके लिए मुंडू की मुंडी लेके आऊंगी ना। मुंडी उसकी गर्लफ्रेंड उसको मिल जाए, इसके ऊपर कोई सिर लगा ना इसका कोई नहीं, एक और इसकी गर्लफ्रेंड लेके आऊंगी ना मुंडी टाइप। चलो ठीक है, तो जब तक रिचा बनाने वाली है खाना और यहाँ पे मुंडू हमारा सफाई करेगा, तब तक मैं अपने चैनल पे जाके गाइस आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के टीवी लगाना है। हाँ यार, टीवी भी लगा लेते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और यहाँ पर तो बुफे लग गया, पूरा बुफे और प्लेटें खाए और कभी कभी ऐसे बुफे लगता है, हर बार तो नहीं लगता, हर बार तो दलिया पोहे ही मिलता है। सालों के बाद ऐसे देख रहा हूँ, 2-3 नाइट और उसको यकीन ही नहीं हो रहा। सेल्फ सर्विस प्लीज प्लीज सर, सर जी सेल्फ सर्विस। राजेश ने पता नहीं कौन सी बकवास सी मूवी लगा दी है, कौन सी मूवी लगाई है। खाना फटाफट खा लिया जा, पहले बताओ ये मूवी कौन सी है? राम तीरथ की तेरवी कुछ तो। नेटफ्लिक्स पे मूवी मिली है कोई और, सब देख लिया हमने। चलो गाइस हम अपना खाना फटाफट खा लेते हैं और आप लोगों को थोड़ी देर में मिलते हैं। रेडी हो चुके हैं हम अभी वापस बाहर निकलने के लिए, थोड़ा बहुत सामान वगैरह खरीदना है तो हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, हैरो मार्केट में। और मैं सौरभ का वेट कर रही हूँ तब से, सौरभ अभी तक रेडी नहीं हुआ। सौरभ आज तुमने मेरे साथ मैचिंग ब्लू 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 कर लिया हमने। तो गाइस अभी हम बाहर जाते हैं और वहां पे शायद एक फ्रेंड्स भी हमारे आने वाले हैं, उनसे भी मिलेंगे और बाहर जाके थोड़ा बहुत सामान भी खरीदते हैं। फाइनली सौरभ ने अपनी ब्लू कैप फाइनली पहन ली, पता नहीं इसको क्यों नहीं पहनता था, ये क्या दिक्कत थी इसमें, मिल नहीं रही थी। और कितनी दिनों बाद वैसे ना हम हैरो मार्केट आए हैं, इधर उधर ही पता नहीं इतना घूम रहे थे कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। हाँ एक्चुअली शॉपिंग करनी थी ना तो अलग अलग मार्केट में जा रहे थे, अब आए हैं, थोड़ा ये रिलैक्स वाली शॉपिंग है, घर के बस नीचे आना। यहाँ पे सब स्पेशली लोग दूर दूर से आते हैं, हम लोगों को लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ जो सबसे पास उसकी वैल्यू नहीं ना थी। ये सबसे पहले ये बंदा बोल रहा है कि मैं कैप लेने जाऊंगा, अभी मुझे बोल रहा था कि
ये बंदा ना, मतलब ये क्या बोलूं, बंदी वो कंपटीशन दे सकता है शॉपिंग के मामले में। तो भाई शॉपिंग तो करनी होती है, तुम करो तो करो, हम करें तो भाई ना नहीं, चलो चलो करो करो। हेलो, क्या चल रहा है? और क्रीना कहाँ है? अच्छा, अरे तुम लोग को कुछ खरीदना नहीं है, शॉपिंग ही करी, बातें करी जा रहे हो, तो बात ही ना करें। तो ये देखो, आई थी मेरे लिए कुछ शॉपिंग करने और पहली चीज ना खुद के उठा ली है। खुली नहीं लग रही, एक बार डाल के दिखा। हाँ, ढली लग रही है। तो सौरभ अभी देख रहा है कैप्स। हाँ, ये आगे से अजीब सी है ये चीज पे। कुछ और देख लो, ये देख लो, सिंपल नीचे भी है ब्राउन, ये सारे कलर्स भी है। ओ माय गॉड रिचा, तू ना एकदम ना हीरोइन नमूनी लग रही है, हीरोइन लग रही है, अच्छी लग रही है। मेरा मन रखने के लिए बोल रही है। नहीं नहीं, सच्ची अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, ले 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 ले, क्रूज के ट्रिप के लिए अच्छी है। हाँ, क्रूज के लिए सोच रही हूँ, ले लेती हूँ। ये देखो, हम मेरे किशन ने और मैंने सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम, वो ब्लू है वो व्हाइट है, सेम टू सेम क्या मैंगो बुंगो बने हुए इसके ऊपर, ओके। और मैंने कहा ये पसंद की है, ये तो ऐसा है ना कि अगर मैंने कुछ लिया तो फिर ये भी नाइस है, टेनिस के लिए ले लो। तो सब एक स्टोर का स्टॉपिंग किए, लो पकड़ो, बिल करा देना प्लीज। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरा बिल पे कर देना। तो साइड में देते हैं। चले, फाइनली H&M से फर्स्ट शॉपिंग डन। तो गाइस, अभी हमारे दो पॉलीथिन रेडी हो चुके हैं शॉपिंग के, और अभी हम थक गए हैं एंड वी आर गोइंग टू ईट समथिंग। हेलो, कॉफी फॉर यू माय लव। ओह हो, रेगुलर कॉफी। हो गया सारा माय लव, हो गया। हाँ हाँ, ड्रामेटिक हो गया। वाटर प्लीज, वाटर चीयर्स टू लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, ये लो, हैप्पी मी। तो गाइस, हमारा खाना पीना भी हो गया मार्केट से, अभी हम जा रहे हैं घर। सब लोगों ने अपना फोटो शूट कर लिया है, बहुत धमाकेदार फोटो शूट किया है हम लोगों ने। सौरभ, एनीथिंग एल्स यू नीड, कुछ चाहिए, कुछ खाने पीने का, कुछ लेने का? शॉपिंग कर ली है, खा पी लिया, घर चलेंगे और क्या करेंगे। हाँ, और बारिश भी गाइस हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग अभी घर भाग रहे हैं। चलो, और मिस्टर किशन पटेल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अहमदाबाद, एंड मिसेस क्रीना पटेल फ्रॉम अहमदाबाद। बी गाइस, हम लोग इंडियन ग्रोसरी स्टोर में आ गए हैं। मिंट पेस्ट, या सही है ना ये? हाँ, ये मिंट पेस्ट होती है यार, इसमें सैंडविचेस वगैरह बन जाते हैं, सही बनते हैं। इसके अंदर दही डाल के ना, एक चम्मच, जैसे हमने लिया है ये एक बूंदी लड्डू, वॉक के लिए लिया भगवान जी के लिए, घर के लिए, और मिंट सॉस ले लिया है, और बाकी देख रहे हैं क्योंकि पास में ही है, तो आते रहते लेते रहते हैं कुछ ना कुछ। घर वापस आ चुके हैं और हमने थोड़ा बहुत इंडियन सामान से भी, शॉप से भी सामान ले लिया, क्योंकि इंडियंस को इंडियन सामान की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है। और अभी हम घर जाके पहुंची ना, अच्छा ये भी चटनी ले लो, वो भी चटनी ले लो, लेकिन वैसे अभी हमें फायदा हो गया क्योंकि हमारे घर के पास ही एक शॉप खुल गई है, तो हमें जो 15-20 मिनट दूर जाना पड़ता था वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। तो भैया अभी तो मजा हो रहा है, पास में सब कुछ मिल रहा है। और बाकी बारिश देखिए चालू हो चुकी है, और बिल्डिंग में कोई भी नहीं दिख रहा, सब लोग ऊपर जा चुके हैं अपने घरों के, छुप गए हैं, छुप गए हैं। आज ही रिचा ने खुलासा किया कि हमने एक महीने से कोई पता नहीं कैसे कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। नहीं, मैं बता रही हूँ, जस्ट अ फैक्ट। ओह माय गॉड, तो यार मतलब हमारा लास्ट झगड़ा हुआ था जब मैंने चाबी घुमाई थी घर, क्योंकि वो तो दिन कभी भी नहीं भूलेगा यार, कितनी भयंकर नाइट थी वो। तो रिचा दिखाओ फिर क्या क्या लेके आयो आज। ये तो गाइस ग्रोसरी है, आलू प्याज टमाटर, तो इसको मैं कर रही साइड पे। ये छोटा मोटा कोई सामान है, जैसे कि वेट वाइप्स और
छोटी मटर चटनी, इसको भी साइड में करती हूँ। एंड ये एक कोरियर आया गाइस, ये पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर चेक कर लिया ओपन, ये देखो अंदर ना छोटी सी चीज होगी। ये मैंने एक सोलर लाइट मंगाई है और मैंने काफी अच्छी मुझे लगी थी इंटरनेट पे, तो मैंने मंगाई है। लेट्स सी कि कैसी चलती है। तो अभी तो बाहर बारिश हो रही है तो अभी नहीं लगा पाऊंगी इसको, चलो कभी बाद में दिखाएंगे आपको इसको चला के। आज की शॉपिंग में हमने छोटी मोटी शॉपिंग की है, बेसिक एक मैंने ये हैट ली है गाइस, जो मुझे बहुत पसंद आई। ये तो मैं भी डाल सकता हूँ, यूनिसेक्स हैट है, यूनिसेक्स है जो भी है, बट मुझे कलर बहुत पसंद आया था एक्चुअली। मैंने ये लिया है पापा के लिए अपने H&M की एक शर्ट, मुझे बहुत प्यारी लगी थी, बड़े यूनिक सा कलर है। आई होप पापा को पूरी आ जाए अभी। नहीं नहीं साइज सही है यार, मेरे से एक साइज बड़ा है तो उनको आ जाएगी पूरी फिट। बाकी हमने लिया है, सौरभ ने लिया है ये एक अपना निकर H&M का, और एक उसने लिया है ये टी शर्ट, वो भी आसान। ये तो बहुत अच्छी है, बीच बीच वाली टी शर्ट है। और अभी हमारे कोई एक बढ़िया वाला ट्रिप की तैयारी चल रही है गाइस, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है एंड वी आर प्लानिंग समथिंग एक्साइटेड, पूरा वीक एक्साइटेड होने वाला है। और एक छोटा सा मैंने बेसिक सा ये पर्स लिया था जस्ट फॉर ऐसे करती। ओके तो चलो फिर शॉपिंग तो अच्छी हो गई है। बाहर बहुत ज्यादा वाली बारिश शुरू हो गई है गाइस। ओह माय गॉड, अरे ये तो हमने सूखने के लिए रखा था, ये तो पूरा गीला हो गया और बारिश हो रही है। तो गाइस बाय बोलते हैं आप लोगों को, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल में एंड बेल आइकन भी दबा देना, बेल आइकन दबा लेना और कीप लविंग लेस, बाय।